हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इमेज हॉवर इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करके रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने 6 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। ये देखिए, इन पे मैंने हॉवर इफेक्ट लगाया है। सो हम इस हॉवर इफेक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इमेज होवर नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक CSS नाम का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मेरी CSS की फाइल है, और ये रहा हमारा इमेज नाम का फोल्डर, इसके अंदर है इमेजेस, और ये रही हमारी HTML की फाइल। मैंने HTML और CSS की फाइल को सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करके रखा हुआ है। देखिए, ये रही हमारी HTML की फाइल और ये रही CSS की फाइल। मैंने यहाँ पे CSS की फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक कर दिया है, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का CDN यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ किया है। सो अब हम बॉडी टैग के अंदर आके कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर टैग का यूज़ करूँगा, जिसे मैं क्लास दूँगा टेक्स्ट सेंटर, और मैं इसे एक और क्लास दूँगा py5। हेडर के अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा जिसे मैं क्लास दूँगा कंटेनर। कंटेनर डिव के अंदर मैं h1 टैग का यूज़ करूँगा जिसे मैं क्लास दूँगा फॉन्ट वेट लाइट। h1 के अंदर मैं लिखूँगा मीट द टीम। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये देखिए, हमारे यहाँ पे मीट द टीम लिखा हुआ आ गया है। अब हम हेडर टैग के बाद एक डिव क्रिएट करेंगे जिसे मैं क्लास दूंगा कंटेनर। कंटेनर डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा जिसे मैं क्लास दूंगा रो। रो डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा जिसे मैं क्लास दूंगा कॉल MD4। एक और क्लास दूंगा कॉल SM6। एक और क्लास दूंगा MY3। इस डिव के अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूंगा, क्लास दूंगा बॉक्स। बॉक्स डिव के अंदर मैं इमेज टैग का यूज़ करूंगा, सोर्स मैं यहाँ पे दूंगा img1.jpg। इमेज टैग के बाद मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा, क्लास दूंगा बॉक्स कंटेंट। बॉक्स कंटेंट डिव के अंदर मैं h3 टैग का यूज़ करूँगा। h3 को मैं क्लास दूंगा टाइटल। h3 के बाद मैं यहाँ पे स्पैन टैग का यूज़ करूँगा, इसे मैं क्लास दूंगा पोस्ट। h3 के अंदर और स्पैन के अंदर मैं कंटेंट डालूँगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, यहाँ से इसे कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, और इसे ठीक कर देता हूँ। सेव। बॉक्स कंटेंट डिव ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मैं यूएल क्रिएट करूँगा जिसे मैं क्लास दूँगा आइकन। यूएल के अंदर मैं li क्रिएट करूँगा। li के अंदर मैं एंकर टैग क्रिएट करूँगा। एंकर के अंदर मैं href दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं आइकन पे क्लिक करूँ तो वो किसी नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट ना करे, इसलिए मैंने यहाँ पे हैश दिया है। सो एंकर टैग के अंदर मैं i टैग का यूज़ करूँगा। i टैग को मैं क्लास दूँगा फॉन्ट ऑसम की क्लास फा फेसबुक। मैं li को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आइकन चेंज कर देता हूँ, इंस्टाग्राम, सेव, रिफ्रेश। ये देखिए, हमारी यहाँ पे इमेज आ गई है, टाइटल, पोस्ट, आइकन्स। अब मैं यहाँ पे h1 के बाद एक स्पैन टैग का यूज़ करूँगा जिससे कि हम एक लाइन क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम CSS करेंगे इस h1 की,
सो मैं हेडर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। H1 कलर मैं इसे दूंगा, मैंने यहाँ पे कलर रखा हुआ है। कॉपी पेस्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सेव, यहाँ पे आके रिफ्रेश। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है और अपर केस में हो चुका है। अब हम लाइन क्रिएट करेंगे, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट, स्पैन, स्पैन को मैं विड्थ दूंगा 100 पिक्सल, हाइट में से दूंगा 5 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर जो कि मैंने H1 को कलर दिया था। बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैं यहाँ पे इसे डिस्प्ले ब्लॉक दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन में से दूंगा टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो, सेव, रिफ्रेश। ये देखिए ये रहा हमारा स्पैन। अब हम बॉक्स की स्टाइलिंग करेंगे, सो मैं बॉक्स क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट, पोजीशन, रिलेटिव, ओवरफ्लो, हिडन, फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, फॉन्ट फैमिली देने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करता हूँ। अब हम बॉक्स पे बिफोर का यूज़ करेंगे, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट, कॉलन बिफोर, बिफोर को मैं कंटेंट दूंगा ब्लैंक, पोजीशन एब्सोल्यूट, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, विड्थ में से दूंगा 100%, हाइट भी दूंगा 100%, टॉप में दूंगा 0, लेफ्ट में दूंगा 0, ओपेसिटी में से दूंगा 0, ट्रांजिशन में से दूंगा ऑल 0.4S लीनियर, सेव करता हूँ। अब हम इस पे हॉवर इफेक्ट लगाएंगे, सो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलन होवर, ओपेसिटी हो जाए 1, सेव, रिफ्रेश। ये देखिए पहले हमने बिफोर को हाइड किया था, जब हम उस पे होवर करते हैं तब हमने उसको शो करवाया है। ये देखिए अब हम इमेज की स्टाइलिंग करेंगे, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट, IMG, विड्थ 100%, हाइट ऑटो, यहाँ से इसे कॉपी, पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। ये देखिए इमेज की स्टाइलिंग हो चुकी है। इमेज की स्टाइलिंग के बाद अब हम इस पे हॉवर इफेक्ट लगाएंगे, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलन होवर, होवर पे क्या हो, ओपेसिटी हो जाए इमेज की 0, ट्रांसफॉर्म हो जाए स्केल 3, सेव, रिफ्रेश। ये देखिए हमारी इमेज जूम हो रही है। इमेज पे हॉवर इफेक्ट लगाने के बाद अब हम बॉक्स कंटेंट के CSS करेंगे, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, बॉक्स कंटेंट क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ, बॉक्स कंटेंट को कलर में दूंगा #FFF, विड्थ 100%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट Y -50%, स्केल 0, पोजीशन में से दूंगा एब्सोल्यूट, टॉप में से दूंगा 50%, लेफ्ट में दूंगा 0, ट्रांजिशन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेव। बॉक्स कंटेंट की CSS करने के बाद हम बॉक्स कंटेंट पे हॉवर इफेक्ट लगाएंगे, इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे
पेस्ट करता हूँ, यहाँ से होवर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। होवर पे हम क्या करेंगे, जो कि हमने ट्रांसफॉर्म दिया था उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। स्केल को हम यहाँ पे कर देंगे 1, सेव, यहाँ पे आके रिफ्रेश। ये देखिए हमारे टेक्स्ट पे भी होवर इफेक्ट लग चुका है। अब हम टाइटल और पोस्ट की सीएसएस करेंगे, सो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेरेंट क्लासेस को पेस्ट करता हूँ, टाइटल क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, पोस्ट क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। टाइटल को मैं फॉन्ट साइज़ दूंगा 25 पिक्सल, फॉन्ट वेट में से दूंगा 600, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, मार्जिन 0, सेव। टाइटल की सीएसएस हो चुकी है, अब हम पोस्ट की सीएसएस करेंगे। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, सेव। ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। हमारी यहाँ पे टाइटल की और पोस्ट की सीएसएस हो चुकी है। अब हम आइकन की स्टाइलिंग करेंगे, सो मैं इसकी पेरेंट क्लास को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आइकन क्लास को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मार्जिन में इसकी कर दूँगा 0, पैडिंग कर दूँगा 0, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट 8 पिक्सल, बॉटम 10 पिक्सल। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए ये रहे हमारे आइकन्स। अब हम इन्हें एक लाइन में लेके आएंगे, सो इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा ally और यहाँ पे मैं css की प्रॉपर्टी दूँगा डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक, मार्जिन 0 टॉप बॉटम से, 1 पिक्सल लेफ्ट राइट से, पेस्टी में कर दूँगा 0, ट्रांसफॉर्म दूंगा यहाँ पे मैं स्केल 1.3, ट्रांजिशन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ट्रांजिशन देने के बाद हम इस पे हॉवर इफेक्ट लगाएंगे, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलन होवर, ओपेसिटी हो जाए होवर पे 1 और जो ट्रांसफॉर्म स्केल है वो हो जाए 1, सेव, रिफ्रेश। अब हमने जो यहाँ पे एंकर टैग दिया था उसकी स्टाइलिंग करेंगे, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से इन प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा ए, होवर डिलीट कर देता हूँ। सो कलर में इसे दूंगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। कलर देने के बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगा HFFF। फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे दूंगा 16 पिक्सल्स। लाइन हाइट मैं यहाँ पे दूंगा 33 पिक्सल्स। हाइट मैं यहाँ पे दूंगा 33 पिक्सल्स। विड्थ में यहाँ पे दूंगा 33 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस में दूंगा 50%। डिस्प्ले में दूंगा ब्लॉक। ट्रांजिशन में दूंगा ऑल 0.5s इज, सेव, रिफ्रेश। ये देखिए हमारे आइकन की स्टाइलिंग भी हो चुकी है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम nth एलिमेंट का यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलन nth चाइल्ड 2। ट्रांजिशन मैं यहाँ पे दूंगा ऑल 0.5
3s is 0.2s. Save, refresh. हमारे यहाँ पे हॉवर इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे पांच और इमेजेस क्रिएट करेंगे। सो हम HTML में चलते हैं, ये देखिए हमारा कॉलम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। मैं यहाँ पे इमेजेस चेंज कर देता हूँ। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, सेव, रिफ्रेश। ये देखिए हमारे यहाँ पे हॉवर इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।